हे व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो रिलेटेड है रियलमी C30 डिवाइस लो कंट्रोलर को आप डीएक्टिवेट कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इसको डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, जो डिवाइस लो कंट्रोलर है। आज की वीडियो में बताऊँगा इसको डीएक्टिवेट कैसे किया जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ मेथड बताऊँगा, आपको उनको सॉल्व फॉलो करना है, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद हमें जाना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो आप, इस पर क्लिक करना है। तो कौन सा ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्राइवेसी प्रोटेक्शन का, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे एक ऑप्शन दिखेगा स्पेशल ऐप परमिशन। सो स्पेशल परमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फिर से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक ऑप्शन है बहुत ही ज़रूरी, उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा रहा है डिवाइस एडमिन ऐप्स, इस पे क्लिक कर देना आपको। और इस पे आपको क्लिक करने के बाद एक 4-5 ऐप दिख जाएंगे जिन जिन ऐप को आपने इंस्टॉल किया होगा, जैसे फैमिली लिंक मैनेजर और भी अलग अलग ऐप है जो जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको उस पर क्लिक कर देना है और उन पर क्लिक करने के बाद एक सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा रहा है एक्टिवेट दिस एडमिन ऐप, तो आपको लिखा है डीएक्टिवेट दिस एडमिन ऐप, तो आपको वहाँ से उनको डीएक्टिवेट कर देना है। 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा और इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा और 10 सेकंड बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका ऐप। तो जिस ऐप में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको सिंपली यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना है। तो वन बाय वन उन सभी ऐप को डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। मैंने तो सीधा अनइंस्टॉल कर दिए, आप डीएक्टिवेट करना चाहें डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे वन बाय वन सभी ऐप को चेक कर लेना है। अगर